हानिया ने ये खुशियां कुर्बान की फातिमा के लिए, तो सायरा ने अपनी बेटी की कुर्बानियों पे खुद ही मिट्टी डाल दी। सायरा को क्या मालूम कि जिस रिश्ते में वो दरार डालना चाहती है, जिसे वो बर्बाद करना चाह रही है, वो भी उसी की बेटी है। मैं तो खुद हमेशा इस राज को छुपाने के खिलाफ थी, लेकिन अब इस राज को राज रखना हमारी मजबूरी बन गया है। वलीद भी यही चाहते हैं कि हानिया दानियाल और फातिमा की जिंदगी से दूर चली जाए, इसीलिए तो आज उसका ऑफिस में शिफ्ट करवा दिया ताकि दानियाल और हानिया रोज ना मिल सके। क्या दानियाल ने कभी आपसे हानिया के लिए कहा था? हाँ, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मुझे तो वलीद का साथ देना था और मैंने दानियाल को मजबूर किया था फातिमा से शादी के लिए वलीद के खाते। लेकिन अब क्या करें, हानिया के ससुराल वालों को कैसे मना करूं मैं? वो बजित हैं सहरा से मिलने के लिए। तो पहले आप उनको सायरा से मिलवा दें, रिश्ता पक्का करवा दें और फलीब के लिए कोई बहाना कर दें। जब रिश्ता पक्का हो जाएगा तो फिर मैं उन आन्या के ससुराल वालों को डिनर पे बुला लूंगी। आपके देखे भाले लोग हैं ना, तो आप शादी की तारीख फौरन पक्की करवा देना। ठीक है, मैं जरा बच्चियों से मिलाऊं फिर चलूंगी। हशमत आज हॉस्पिटल गए हैं। जी जरूर, प्लीज।